सुबह भी उठ चुका हूँ और मैंने अपने कपड़े वगैरह भी यहाँ पे सुखा दिए। अभी राकेश गया नहाने के लिए। ला राखी ये चलने का टाइम हो गया है। अभी सिर्फ 5-10 मिनट में यहाँ से निकले हैं। सभी बस रेडी हो जाए। मेरे बैकग्राउंड में देख लो सभी अपने अपने मतलब सामान उठा रहे हैं। मैंने बैग वहाँ रख दिया अपना। अभी सजोसा से 2 बजे निकलने वाली है। अभी इस घर में से रास्ता निकला है तो अभी यहाँ से निकलेंगे शॉर्टकट। ये यहाँ के लोगों ने रास्ता दिया है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है यहाँ की। अभी जो धजा है वो निकल पड़ी है। ये घर है किसी का। घर में से रास्ता दिए। अभी साजू सर से चूरू के रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ से चूरू रहता है 7 किलोमीटर और वो लोग मुझे इनसे भी आगे निकलना जरूरी है। तो अभी आ चुके हैं कड़वा सर स्टैंड और अगर यहाँ से नहीं दिखा रहे देते हैं तो मैं पास से दिखा देता हूँ। ये रहा कड़वा सर स्टैंड। ये वाली रोड है जो नई बन रही है और इस साइड अगर आओ भालेरी झुंझुनू वगैरह जयपुर जाना हो तो इस साइड से जाएंगे। तो यहाँ अभी सभी लोग पानी पी रहे हैं तो क्यों ना मैं भी पी लेता हूँ इधर। तो अभी आ चुके हैं चूरू की ZITI आगे। तो ये है श्री तेजपाल जी की ढाणी। तो अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ। अभी 4 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है। अभी आ गया हूँ मैं कोसी की चढ़ाई पर और थोड़ी देर में आपको कोसी का कुआं भी दिखा दूँगा। मैंने जब सड़कें देखी थी तो जो पीने का पानी के जो लगा हुआ है यहाँ प्याऊ ये बिल्कुल मेरे बराबर हुआ करता था और अब इसे कितना खोद दिया गया है। अभी रोड को अच्छा खासा चौड़ा किया जा रहा है। बढ़िया यार चलने में प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले सिंगल वे था यहाँ पे। तो अभी हम आ चुके हैं बाबा के मंदिर मतलब नाथों के डेरे। अभी मैं चूरू में एंटर हो चुका हूँ गौशाला के पास लगभग और ये है यहाँ की एंट्री। तो अभी एंट्री गेट से मैं एंटर हो चुका हूँ और चलिए आपको दिखाता हूँ मैं चूरू का जो मार्केट है वो। तो अभी मैं चूरू के मार्केट में आ गया हूँ और हमारी जो धजा है हमसे काफ़ी आगे निकल गई। तो अभी हमें वहीं ढूंढने की आखिर वो धजा कौन सी साइड गई है क्योंकि वो राइट साइड गई है तो वो जाएगी रामगढ़ और सामने अगर गई है तो वो जाएगी रतन नगर। तो बस अब पता करना है कौन सी साइड गई है और कहाँ जाएंगे। अंकल जी आपने धजा किन्ने गई है दिल्ली साइड गई है। आया रोड पर चढ़ गया मैं और राकेश बस अब हमें काफ़ी तेज़ी से चलना होगा। तो चूरू के मार्केट में आपको पुरानी हवेलियाँ तो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। आ चुका हूँ मैं चूरू के स्टेशन पे और अभी हम यहाँ निकल रहे हैं। अभी ऑन रोड चल रहे हैं भाई। धजा अभी भी नहीं दिखी है हालांकि हम काफ़ी फास्ट चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो पूरी तार कबूतरों से कवर हो चुकी है। अभी हम कलेक्ट्री सर्कल पर आ गए हैं। तो अभी हम फतेहपुर रोड पर हैं। अभी ये कन्फर्म नहीं है कि रतनगढ़ रोड से गए हैं या फतेहपुर रोड से गए हैं। सही एड्रेस मालूम हो गया है। तो अभी हमें जाना है पुल की तरफ जो बिल्कुल सीधा सामने है। तो अभी हम आ चुके हैं तो पुल के ऊपर थार। तो ये है थार गाड़ी। अभी हम पुल के ऊपर आ चुके हैं। अभी अच्छा करें अभी आगे मोड़ है। तो मोड़ के बाद में एक गांव आएगा ठेला सर नीचे उतरने के बाद। वो थोड़ा दूर तो है मतलब इतना भी जल्दी नहीं आएगा। तो अभी उस गांव में हमारा जो नेक्स्ट स्टे है नाइट का वो है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है नाइट का देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। शहर का जो ये व्यू है चूरू शहर का
ओ मिठा बोल के खरीद लेंदी दुनिया, इन्हें महंगे भी नहीं यार बलिए, महंगे भी नहीं यार बलिए। अभी आज चांद निकला नहीं बादल में, अभी फतेहपुर रह गया है 33 किलोमीटर, लेकिन हमें तो सिर्फ खेलासर गांव जाना है। हाँ कुछ तो अभी यहाँ कुछ देर के लिए हम स्टे करेंगे, तो यहाँ रुके हैं अभी और कुछ देर यहाँ बैठने के बाद सीधा ठेलासर निकलेंगे। पर ठेलासर काफ़ी दूर है और ये पैदल ही हमें तय करना है। हम किसी प्रकार का कोई साधन या बाइक किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम पैदल ही मतलब अपने पैरों से नापना पड़ेगा वहाँ तक का, मतलब सालासर तक की जो जगह है। तो हम जिस धजा का इंतजार करें वो तो अब जारी सन सिटी रेस्टोरेंट के पास और इसके सामने है ये कौन सा होटल है जिसका नाम तो नहीं पता है, बोर्ड वगैरह ही नहीं पता चलेगा तो बताएंगे। तो अभी हम हाईवे रोड पे पैदल ही चल रहे हैं, कितने किलोमीटर है ये तो नहीं पता, वो देखना पड़ेगा कुछ बोर्ड वगैरह में। अब ठेला सर देखना पड़ेगा भाई कितना रह गया। तो अभी पास में आ चुके हैं हम इस होटल के, पता नहीं ये दास गैनी कौन सा होटल है, ये होटल कौन सा है, नाम क्या है? नहीं नहीं कुछ और ही है यार, मैं मेरे एक भाई आया वो इसमें तो उसने कुछ और नाम बताया, द ग्रैंड शेखावाटी, द ग्रैंड शेखावाटी रेस्टोरेंट है शायद, पता नहीं होटल है, नहीं होटल है। हाँ काफी मस्त है यार, देख पाली चलना है तो यहाँ से सिर्फ 410 किलोमीटर है, चल सकते हैं। पाली के चीज़ है पाली, पता नहीं क्या, बस सुनने में अच्छा लग रहा है। तो भैया हमें मिल चुके हैं सफर के अंदर, भाई जी सरकार लाइट में। हाँ तोड़ बता, ये हमारे टीचर है अग्रसेन स्कूल, सिरसा के अंदर सबसे मशहूर स्कूल है अग्रसेन, उनमें ये टीचर है। अच्छा, और हाँ अच्छी पोस्ट पे है। और कितने साल से आप पढ़ा रहे हो जी? लगभग 19-20 साल हो गए, 19-20 साल से ये बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो आज भी सालासर बालाजी के दरबार में जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए, तो अभी हमें रस्ते में मिल चुके हैं, तो अभी भी ये भी हमारे साथ ही चले गए। अभी हमें जा रहे थे रस्ते में तो विपिन भैया मिल गए, ये भी मतलब अकेले ही बैठे थे पूरे मतलब रोड के ऊपर, तो हम जैसे कि तो हमें दूर से अंदाजा तो हो गया हमारे साथ के कोई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यार ठेला सर, अभी मतलब दूर दूर तक है ना, आई थिंक मतलब 6 किलोमीटर स्पेंडिंग, हाँ पता नहीं कितना है, लेकिन 5 किलोमीटर है क्या, 5 किलोमीटर तो वही रहेगा। और आगे तक मतलब बताया भी है कि दूर तक अब कोई शॉप या कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल। अब बालाजी का नाम यहाँ से मैं थोड़ा अंदाजा दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से आपको सारा जंगल दिखाई, 15-20 मिनट बैठे बन के देखो। तो इतना ज्यादा चलने के बाद हमें सिर्फ ये पेट्रोल पंप दिखाई दिया यहाँ पे, और आगे देखते हैं, अभी भी गांव आया नहीं है, आपको दूर तक सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देगा। तो अभी चांद निकल गया और आगे विपिन भैया चल रहे हैं, और सड़क पे थोड़ी बहुत जो रोशनी दिखाई दे रही है वो थोड़ी बहुत चांद की, और बाइक वगैरह जो भी जा रही है उसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। अब दिख रही है, तो अभी राकेश और विपिन भाई पे बैठ गए हैं, कुछ देर यहीं पे रुकेंगे, उसके बाद आगे सफर तय करेंगे, क्योंकि अभी काफी लंबा चलना है, अभी पता भी नहीं चल रहा है यहाँ पर बिना बोर्ड के कि कितना और चलना है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया हुआ है, तो थोड़ी देर आराम करें, पैरों में थोड़ा सा दर्द है, तो उसके बाद में हम यहाँ से निकलेंगे आराम करेंगे। तो अभी ये मंदिर है जहाँ पर रुकना था, लेकिन हमारे लोग बाहर खड़े हैं, आपको शायद दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर ये खड़े हैं हमारे दोस्त, तो यहाँ पर परमिशन नहीं मिली अभी तक। तो भाई अंदर परमिशन मिल चुकी है, तो जा रहे हैं अंदर। जय श्री नाथ जी। और काफी पैरों में दर्द हो रहा है, तो चलो तेजी से अंदर चलते हैं। ये भाई साहब अभी भी मेरी चेकिंग कर गए हैं, मैंने इस सिले में जूते रखे हुए थे पुराने वाले, क्योंकि आज मैंने नए जूते ले लिए हैं, तो ये चेकिंग करी गई है कि इसमें क्या है, बताऊँ आने दे। अभी मैं ठेला सर के अंदर आके बैठ चुका हूँ इस मंदिर के अंदर।
तो अभी मैंने कुर्सी पे पैर रख लिया ताकि थोड़ा आराम हो जाए भाई, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे अभी पुलिस आ गई चेक करने के लिए, इतने लोग किस लिए आए यहाँ पर, कोरोना वगैरह का आपको सीन पता ही। तो अभी मंदिर के अंदर काफी खूबसूरत दो खरगोश हैं, छोटे छोटे काफी क्यूट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो दूर से दिखाता हूँ क्योंकि अगर पास जाऊंगा तो ये भाग जाएंगे। ये देखो कितने प्यारे हैं, अगर मैं ज्यादा पास जाऊंगा तो शायद ये भाग जाएंगे। अभी तो इग्नोर करे तो नहीं, अभी झंडा हमने यहाँ पे लगा दिया है ठेला सर के मंदिर के अंदर। ये नाजी महाराज है, इन्होंने परमिशन दी है यहाँ रहने के लिए। यहाँ पर खाना बन रहा है और नाजी महाराज अभी मुझसे बात करके गए थे, पूछ रहे थे कहाँ से आए। और यहाँ का व्यू देखो, ये कुएं का व्यू बना रहा है, शायद ये पहले का पुराना कुआ होगा। और ये सिर्फ व्यू नहीं है, मतलब यहाँ पर कुआ है भी। और ये सीन मुझे पता नहीं कि ये वाली चीज़ किस लिए है। ये नाजी महाराज इनको खाना खिला रहे हैं, जानवर जो हैं इन्होंने पाले हुए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पशु पाले हुए हैं। क्या बना भाई जी? हाँ भाई जी, क्या लग रहा है? तो सामने तो शिव जी का भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पर साइड में बिल्कुल जस्ट सामने यहाँ सबकी बेडिंग लगी है। ओके बाय, तो गुड नाइट, तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।